हाँ, तो आज का दिन कुछ ऐसे स्टार्ट होता है। हमारी बुलेट की टंकी खाली हो चुकी होती है। थोड़ी देर ट्राई करने के बाद हम उसमें थोड़ा सा पेट्रोल डालते हैं और फाइनली बुलेट स्टार्ट हो जाती है। बुलेट की स्टार्ट होते ही हम सीधा संतोष भैया के शॉप पे जाते हैं, जहाँ सौरभ भैया अपने बाल कटा रहे होते हैं। हम वहाँ थोड़ी देर वेट करते हैं और सौरभ भैया रेडी हो जाते हैं। बाल कटाते ही सौरभ भैया और विशाल भैया अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं और उनके पीछे पीछे मैं और तुषार भी थोड़ी देर में सौरभ भैया के घर पे पहुंच जाते हैं। जब भी हम सौरभ भैया के घर पे पहुंच गए और अब बाहर खड़े होकर सौरभ भैया का वेट कर रहे हैं। थोड़ी ही देर में सौरभ भैया रेडी होकर घर से बाहर आ जाते हैं और विशाल भैया भी रेडी होकर आ जाते हैं। हम वहाँ पे थोड़ी देर बात करते हैं और अचानक से हमारा प्लान बनता है तरकुलहा जाने का और फिर हम निकल जाते हैं। पाँच लीटर इसमें 400 का। चलो रुका, जब भी हम रास्ते में एक जगह रुके हुए हैं और प्रदीप भैया और पिंटू भैया का वेट कर रहे हैं। वेट करते करते हम एक चाय खत्म करते हैं और थोड़ी देर बाद वो लोग आ जाते हैं। ये है पिंटू भैया और ये है प्रदीप भैया। हम सब वहां से निकल जाते हैं और 15 या 20 मिनट में हम तरकुलहा मंदिर पहुंच जाते हैं। वहाँ पे इतनी भीड़ होती है कि मेरे मन में आता है कि वहाँ तो हमें जगह नहीं मिलने वाली। मैं और सौरभ भैया वहाँ पे सबसे पहले पहुँच जाते हैं और पहले तो बाइक पार्क में लगाते हैं और फिर बाकी लोगों का वेट करते हैं। तो गाइस जब भी हम तरकुलहा पहुँच गए हैं और यहाँ पे आने के बाद तुषार ने बताया कि यहाँ पे हमारी जगह फिक्स रहती है और हमारी बात पहले ही हो चुकी है, मैं जगह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो ये हो रहा हमारा मटन का मटका तैयार, जिसे अंकल बनाने की तैयारी करते हैं। हम तब तक वहाँ पे कुछ खाते पीते रहते हैं जिससे हमारा टाइम पास हो जाए और फिर टाइम पास के लिए हम क्रिकेट मैच देखना भी स्टार्ट कर देते हैं। और दूसरी साइड अंकल मटका चूल्हे पे चढ़ा चुके होते हैं और काफी देर वेट करने के बाद फाइनली मटन बन जाता है, जिसे कि बाकी लोग पहले टेस्ट करते हैं और उन्हें बहुत ही अच्छा लगता है। अब टेस्ट करने की बारी मेरी होती है, देखते हैं मुझे कैसा लगता है। मटन काफी अच्छा बना होता है, जिसे हम सब बहुत ही प्यार से टेस्ट कर रहे होते हैं। लेकिन थोड़ी ही देर में विशाल भैया का सौरभ भैया के लिए प्यार बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है और वो सौरभ भैया को जबरदस्ती खिलाने लगते हैं। इससे सौरभ भैया का फेस और टी शर्ट दोनों ही गंदा हो जाता है। सौरभ भैया पहले उसे पेपर से साफ करते हैं, लेकिन उन्हें बाद में पानी से साफ करना पड़ता है और सौरभ भैया विशाल भैया को बदले के लिए धमकी देते हैं। और दूसरी साइड मैं और तुषार कुछ सामान लेने के लिए चले जाते हैं, जहाँ तुषार मुझे सिखाता है कि बिना पानी के हाथ साफ कैसे करते हैं। मैं उसे सीख जाता हूँ और अब मेरी बारी है। अबे ओए 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 इधर ही। टेस्ट करते करते ही हम बहुत ज्यादा खा लेते हैं, जिससे हमारा पेट पूरा फुल हो जाता है और अभी भी बहुत सारा मटन और चावल बचा होता है। और वो देखते ही मैं सबसे बोल देता हूँ कि मैं तो अब नहीं खा सकता। इधर फाइनली सौरभ भैया और विशाल भैया आपस में कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। ओहो, ये फिर से शुरू हो गए। लेकिन चलो, तुम लाइक और सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं किसी दूसरे ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।